हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, अगस्त के महीने में मतलब कि 14 अगस्त को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था बॉलीवुड की मूवी स्त्री 2। इसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपर शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिले थे। जहाँ पे स्त्री 2 मूवी को अब तक थिएटर्स में रिलीज हुए 35 डेज के आसपास का कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 35 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है। इसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। चूंकि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे इस मूवी का जो टोटल बजट था वो लगभग 60 करोड़ के आसपास का था, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपनी रिलीज होने के फर्स्ट डे को हमारे इंडिया में लगभग 3000 के आसपास के स्क्रीन प्लेस किया गया। चाहे इस मूवी को लेकर शुरुआत से ही मार्केट में अच्छा खासा हाइप तो था, इसके चलते इस मूवी का जो एडवांस टिकट बुकिंग था वो भी हमें काफी अच्छा देखने को मिला और ये मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 2 डेज के अंतर अंतर ही अपने बजट के अमाउंट को हमारे इंडिया से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिकवर कर चुका था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी का रिव्यू भी काफी अच्छा निकलने के वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हमें एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। जहाँ पे स्त्री 2 मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 34 डेज के अंदर अंतर हमारे इंडिया से 536 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर चुका था। इसी के साथ इस मूवी ने ओवरसीज से भी लगभग 122 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 35 को लगभग हमारे इंडिया से 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया है। जिस कलेक्शन के अमाउंट को अगर इस मूवी के 34 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे स्त्री 2 मूवी के 35 डेज का जो हमारे इंडिया का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो लगभग 539 करोड़ से लेकर 540 करोड़ के आसपास का चला जाता है। जिसका कि 35 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 757 करोड़ से लेकर 758 करोड़ के आसपास का चला जाता है। तो इन कलेक्शन के सामने इस मूवी का टोटल बजट जो कि लगभग 60 करोड़ के आसपास का था, और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे हिट का टैग लेना था तो इसे 70 से लेकर 80 करोड़ के आसपास का ही कलेक्शन करना पड़ता। इसका कि 10 गुना कलेक्शन तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्रेट कर ही चुका है, और अभी भी जिस तरीके से इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है उससे एक बात तो कंफर्म कहा जा ही सकता है कि आप इस 3-2 मूवी का ऑल टाइम जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होगा वो 800 करोड़ के ऊपर का चला जाएगा, जो कि एक तरीके से 60 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए काफी ह्यूज कलेक्शन तो है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर 3-2 मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है इस बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।